मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? भगवान का जवाब आता है, इट्स अ लॉस, सम टाइम यू कुड लूज, कभी कभी आप हार भी सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब अच्छा होता है तो थैंक्स बोलते नहीं, जब बुरा होता है तो गाली बकना शुरू कर देते हैं। भगवान कृष्ण सगा मामा कंस मारना चाहता है। महान लोग अस्पतालों में पैदा नहीं होते, ये लोग अपनी चॉइस से महान होते हैं। अस्पताल से महान आदमी घर नहीं आते, घर में रहकर सीखकर ये स्किल्स क्वालिटीज डेवलप करके महान बनते हैं। कभी मत बोलना डोंट आस्क व्हाई इज दिस हैपन टू मी, अक्सर लोगों को कहते सुना है, रोते सुना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों होता है। ये अक्सर मिडिल क्लास फैमिली के पास एक और पेटेंटेड डायलॉग है, अक्सर मेरे साथ ही है, मेरे पापा हमेशा मेरे साथ ही है। Rather ask, how can I? Event important नहीं है, आपका response event। ये जो चीज है ना, ये बहुत खतरनाक है मेरे दोस्त। Why me? ये आपको हीन भावना में लेके जाता है actually। कि मैं क्यों ऐसा गरीबी की जिंदगी देख रहा हूं, मेरा भाई मुझे प्यार नहीं करता, मेरे घर में ऐसा क्यों तकलीफ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। किसान बोलता है मैंने बिल्कुल ठीक टाइम पे पानी दिया, किसान बोलता है मैंने ठीक टाइम पे सुबह जाके फसल में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे किए, मैंने बढ़िया तरीके से बीज लगाया, किसान बोलता है धूप भी टाइम पे आई, बारिश भी टाइम पर आई, लेकिन जैसे ही मेरी फसल तैयार हो गई, मैं सुबह काटने ही वाला था, रात में ओला पड़ गया, तो बोलता है व्हाई मी, मेरी क्या गलती है। भगवान का जवाब आता है, इट्स अ लॉस, सम टाइम यू कुड लूज, कभी कभी आप हार भी सकते हैं, लेकिन टेंशन लेने का जरूरत, इट्स अ लाइफ। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, शायद आपको इस एग्जांपल के माध्यम से समझा सकूं। आर्थर एश का एग्जांपल दुनिया के सबसे प्रबल एग्जांपल्स में से एक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, चार मुख्य टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन एंड विंबलडन। एक साल में चार मुख्य आयोजन होते हैं टेनिस की दुनिया के अंदर। आर्थर एश तीन बार के विजेता हैं। कब कब? यूएस ओपन जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते और विंबलडन जीते, अलग अलग सालों में। लेकिन मजे की बात तो यह है कि 36 साल की उम्र में इनका हर्ट सर्जरी हुआ, 36 साल की उम्र में इनका हर्ट सर्जरी हुआ, और ये बात करीब करीब 1983 यानी आज से बहुत साल पहले है। उस जमाने के अंदर जब ब्लड दिया जाता था तो इतने प्रोटोकॉल इतने शानदार नहीं होते थे कि ब्लड की इस तरीके से महीन चेकिंग की जाए, लेकिन जो ब्लड इनको चढ़ाया गया उससे इनको HIV पॉजिटिव हो गया, है ना, करीब करीब 83 की बात है, बाईपास सर्जरी हुआ, तो जो ब्लड इन्फ्यूज किया गया उस ब्लड के कारण इनको HIV हो गया, HIV पॉजिटिव हो गए। बड़ा कोशिश किया इन्होंने कि मैं दुनिया से छुपाऊं इस बात को, लेकिन बात छुपी नहीं और बाहर निकल गई। जब बात बाहर निकल गई तो लोगों ने लेटर्स इनको लिखना शुरू किया, जो प्रेमी लोग थे इनके, प्यार करते थे, फैंस थे, वेल विशर्स थे, कि बहुत बुरा हुआ, अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, क्योंकि HIV का तो कोई इलाज ही नहीं है। और वो खिलाड़ी जो तीन बार वर्ल्ड चैंपियन है टेनिस की दुनिया में, पूरा का पूरा जगत, पूरी की पूरी दुनिया हिल गई, आज का नामी ग्रामी खिलाड़ी HIV हो गया। अब ये वीक हो गए थे तो जवाब भी नहीं दे पा रहे थे हर किसी का। 15 साल का एक लड़का आर्थर एश को लेटर लिखता है, जिसका जवाब आर्थर एश ने दिया। 15 साल का लड़का उनको लेटर लिखता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जब भगवान से मिला तो मैं उनसे पूछूंगा कि आपकी इस यंग उम्र में आपके साथ उसने ये बीमारी आपको क्यों दी। मैं जब भी भगवान से मिलूंगा मैं भगवान से सवाल पूछूंगा कि आपकी इस यंग एज में आपको भगवान ने बीमारी क्यों। आर्थर एश ने किसी के लेटर का रिप्लाई कभी नहीं किया, लेकिन जैसे आर्थर एश ने उस बच्चे का एक खत पढ़ा, आर्थर एश ने पहली बार रिप्लाई लिखा, और वो रिप्लाई टेनिस कोर्ट में आज भी ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर गोदा रखा है। टेनिस कोर्ट पे विंबलडन में
ग्रेनाइट के पत्थर के ऊपर आर्थर एश का वो रिप्लाई गोद के आज भी टांग रखा है। आर्थर एश का वो रिप्लाई जिसने पूरी की पूरी टेनिस जगत को पूरी तरह से हिला दिया, वो रिप्लाई आपके लिए लेके आया हूं, चाहे आपको जिंदगी में कुछ सीखने को मिल सके। आर्थर एश ने उस बच्चे को रिप्लाई में लिखा, आर्थर एश रिप्लाइड एंड इट्स रिटन ऑन विंबलडन कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट ऑन अ ग्रेनाइट प्लेट। Little boy, I understand your feelings because you love me, but listen me very carefully. ध्यान से मुझे सुनना, ये तेरे को जिंदगी में बहुत कुछ सिखाएगा। 50 million children on this earth wanted to play tennis on this earth. 50 million लोग इस पूरी दुनिया में टेनिस खेलना चाहते हैं। Out of 50 million, only 5 million actually catch the racket. उन 50 मिलियन से सिर्फ 5 सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं, 5 मिलियन, जो रैकेट को छू पाते हैं। आउट ऑफ 5 मिलियन ओनली 5 लाख एक्चुअली प्ले ऑन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल। उन 5 मिलियन से सिर्फ 5 लाख लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल लेवल तक और कॉलेज लेवल तक पहुंच पाते हैं। उन 5 लाख बच्चों में से सिर्फ 50,000 प्रोफेशनल टेनिस खेल पाते हैं। उन 50,000 में से 5,000 फुल टाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनते हैं। उन 5,000 बच्चों में से सिर्फ 500 बच्चे विंबलडन खेलते हैं और उन 500 बच्चों में से 4 लोग सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, उन 4 में से 2 फाइनल में पहुंचते हैं और एक आदमी कप लिफ्ट करता है कोर्ट के ऊपर। जब भगवान ने मुझे 3 बार मौका मुझे दिया, मैंने तब उससे कोई शिकायत। इतनी बड़ी दुनिया में ईश्वर ने मुझे चुना उस कोट को लिफ्ट करने के लिए, मैंने तब नहीं कहा वाई मी, तो मैं आज उसको कैसे बोल सकता हूं वाई। ये भी भगवान से बात करने का एक तरीका है, ये भी आपका एक थॉट प्रोसेस है। और ये लेटर आज भी विंबलडन कोर्ट नंबर 1 सेंट्रल टेनिस कोर्ट ग्रेनाइट प्लेट पर छाप के रखा है ताकि आने वाली जनरेशन आपके अंदर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका समझ सकें कि आपकी जिंदगी में चुनौतियां परेशानियां किसी भी हद तक हों, आपका रिस्पांस शानदार रिस्पांस होना चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, 4th May आई लॉस्ट माय फादर, लास्ट 4th May, एक साल पहले। ऑन 3rd May आई लॉस्ट माय सिस्टर इन लॉ। 2 दिन के अंदर 2 लोग मेरे घर से गए। सुबेरे मैंने एक संस्कार किया, शाम को दूसरा किया। माई वाइफ वॉज हॉस्पिटलाइज इन अ सीवियर कंडीशन, स्कोर 24 out of 25 इन कोविड, 97-99% लंग्स उसके खत्म थे, 80% मेरा भी मामला साफ था, मेरा सीटी स्कोर 20 out of 25 था। 2 संस्कार एक दिन में किए, मेरी वाइफ आईसीयू में 27 दिन थी, फ्रॉम 2nd May टू 29th or 28th of May। सब कुछ जिंदगी में अचानक भूचाल सा आ गया, जिंदगी उथल पुथल हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, करें क्या। दोस्त हेल्प करना चाहते थे लेकिन आ नहीं सकते थे, कैसे आए, सेकंड वेव की खतरनाक कहानी चल रही थी। तो मुझे लोग फोन करके SMS करके बोलते थे, यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। तो मैं तब भी उनको अंदाज में बोलता था कि भगवान जो कुछ देता है मुझे छप्पड़ फाड़ के देता है। जब सुख दिए तो भी छप्पड़ फाड़ के दिए, प्यार दिया छप्पड़ फाड़ के दिया, सब कुछ दिया। तो जब वो मिल रहा था तो मैंने कभी उसको ये नहीं बोला कि मुझको ही क्यों दे रहा है। मैं तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का आदमी हूँ, गरीब परिवार से आया हूँ, मेरी जिंदगी में इतनी शौहरत इतनी दौलत क्यों लिखी है। तो जब मैंने तब नहीं बोला तो मुझे अब भी बोलने का कोई अधिकार? Why not me? प्रॉब्लम क्या है, जब अच्छा होता है तो थैंक्स बोलते नहीं, जब बुरा होता है तो गाली बकना शुरू कर देते हैं। ये हमारी खानदानी आदत है। बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान मेरे लिए ठीक नहीं है। अक्सर आप और हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग बचपन से ये बातें बोलते आए हैं। गॉड इज अनफेयर टू हिमसेल्फ ओनली, लेडीज एंड जेंटलमैन, भगवान अपने लिए भी ठीक नहीं है। एक रात पहले राज तिलक और एक रात के बाद 14 साल का वनवास, अपनी मां ने दिया, कोई दुश्मन नहीं मार रहा, घर से ही प्रॉब्लम है। अच्छा राम भगवान को तो फिर भी एक मिनट छोड़ दो, भगवान कृष्ण सगा मामा कंस मारना चाहता है, उसकी जान के पीछे पड़ा जब से पैदा हुआ है, भागा फिर रहा इधर उधर। गॉड, वाई गॉड इज अनफेयर टू मी, गॉड इज अनफेयर टू हिमसेल्फ एज वेल। तो टेंशन लेने का जरूरत, एक कदम और आकर आपको लेके चलता हूं। ये सवाल कभी मत पूछो कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये पूछना कि मैं इसे डील कैसे कर सकता हूं। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। प्रॉब्लम कम आए ऐसा विश कभी मत करो,
उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल्स कैसे अच्छी आए, बस उसी के ऊपर फोकस करो, क्योंकि प्रॉब्लम आना आपके हाथ में नहीं है। स्किल्स डेवलप करना आपके हाथ में है, आपका रिस्पॉन्स करना आपके हाथ में है। रिस्पॉन्स शानदार हुआ तो आउटकम शानदार होगा। ई प्लस आर इक्वल टू ओ, ये वर्ड याद रहेगा आपको, तो मैं बोलता हूं मेरे पीछे पीछे रिपीट करते हैं, ई प्लस आर इक्वल टू ओ। जिंदगी भर इसको याद रखिए, एक फॉर्मूला पूरी जिंदगी में आपकी कश्ती को किनारे लगा के दे देगा, सिर्फ एक ये फॉर्मूला, ई प्लस आर इक्वल टू ओ।